ज्यादा मत गिरियो हाथ पे। ये भाई साहब ये देखो जामनी कलर है ना, ये जामनी कलर मिलेगा आपको अंडों वाला, जो कि वैसे हाथ ठंडा कर दिया इसने, एक नंबर थी। बताओ ये वाला स्प्रे कितने का मिलता है भाई? 100 रुपए के 4 है, 300 रुपए दर्जन है, 300 रुपए के 12। भाई साहब गोल्डन कलर मिल जाएगा 80 रुपए का मिलती है ये वाली भैया, ये वाली 60 रुपए की है, 20 रुपए की है, 10 रुपए। अच्छा 60, 20, 10 रुपए की वाली मिल जाएगी, ये 30 रुपए की मिल जाएगी, ये भी 30 की मिल जाएगी, ये भाई साहब 40 रुपए की मिल जाएगी। हमारी बंदूक देख रहे हो, एक नंबर पेस्ट। और भाई ये देखो ये पेस्ट आई, ये क्या किस रेट मिलता है? 100 रुपए किलो। भाई साहब ये 100 रुपए किलो मिलता है, आप जितना चाहो आप अपने हिसाब से इसको लिखा हुआ 500 प्लस, लेकिन ये 500 ज्यादा है, 600 प्लस है इसके अंदर। अच्छा सही है। हे गाइस कैसे हैं, आज के इस व्लॉग में आपके वेलकम। भाई आज मैं जाने वाला हूँ दिल्ली सदर मार्केट, जो कि भाई सबसे पहले मैं बता दूँ दिल्ली सदर मार्केट में कई सालों बाद जा रहा हूँ, लेकिन गाइस आज के इस व्लॉग में आपको, जैसे कि आपको पता है यार होली आ रही, तो गाइस आज के इस व्लॉग में आपको होली का जितने भी जो सारा सामान रहता है, पिचकारी गुलाल वगैरह, टोटली गाइस आप आज के इस व्लॉग में मैं आपको गाइस बिल्कुल चीप प्राइसेस में आपको दिखाने वाला हूँ। आप कहाँ से गाइस कौन सी दुकान रहेगी और ऐसा क्या रहेगा गाइस, जहाँ से आप या तो अपने दुकान के लिए या अगर आप खुद लेना चाहते हो तो गाइस आप खुद कैसे ले सकते हो, और गाइस आपको सदर मार्केट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आज के इस ब्लॉग में गाइस मैं आपको सदर मार्केट एक्सप्लोर करने वाला हूँ। चलिए फिर चलते हैं गाइस ब्लॉग को। तो गाइस फाइनली यार मैं रेडी हो चुका हूँ और इस समय टाइम हो रहा है 11:20, तो चलते हैं। और मैं आपको बता दूं गाइस मैं जाने वाला हूँ दिल्ली मेट्रो से, जो कि मुझको गाइस मेट्रो पकड़नी होगी अपनी बदरपुर बॉर्डर से। और गाइस मुझको मेट्रो तक पहुँचने के लिए सबसे पहले मुझको ऑटो लेना पड़ता है, उसके बाद फिर मुझको मेट्रो मिलेगी, उसके बाद हमारा बदरपुर मेट्रो स्टेशन। और ये है भाई हमारी बदरपुर वाली लाइन, जो कि ये बल्लमगढ़ तक है लास्ट, और ये वैसे कश्मीर गेट तक जा रही है हमारी जो वायलेट लाइन है, और सीधे यहीं से मेट्रो पकड़ते हैं और गाइस चलते हैं। और आपको पूरा व्लॉग में यार मैं आपको बताना चाहता हूँ, यार मैं ना सदर मार्केट करीबन 5-6 साल बाद जा रहा हूँ, वो भी यार इतना मतलब कि काफ़ी लॉन्ग टाइम है जिसके बाद मैं दोबारा जा रहा हूँ सदर मार्केट। जो मैं लास्ट टाइम गया था वो मैं अपनी गाड़ी से गया था, वैगनार से। इस समय वैसे गाड़ी की गई कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से वो गाड़ी हमने थोड़ा सही करवाने के लिए दे रखी है। चलते हैं और देखते हैं गाइस कैसा मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में। कोशिश करूँगा कि आप गाइस अच्छी तरह से सारे जितने भी रेट प्राइस जो भी होगा टोटली सब कुछ दिखाऊंगा। और हाँ वहाँ पर यह भी है, जैसे कि आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो सदर मार्केट होती है ना वो ज़्यादातर गाइस दर्जनों के हिसाब से वहाँ से माल वगैरह लोग बाग लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेन यही रहता है कि वहाँ पर ज़्यादातर सारा सामान वो भी गाइस दर्जनों के हिसाब से मिलता है। दर्जन का मतलब गाइस कोई भी सामान लेना पड़ेगा तो आपको उसके 12 पीस लेने पड़ेंगे जब जाके वो सामान मिलता है। वैसे ऐसा भी नहीं है, ये आपका अगर रिटेल प्राइस में अगर एक दो पीस लेना चाहते हो तो गाइस वो भी अगर आप बातचीत करोगे तो शायद वो भी ले ही सकते हो आप, है ना। ये रहा भाई मैं, और चलते हैं गाइस व्लॉग में। देखो ये रहा हमारा पूरा बदरपुर, बदरपुर मेट्रो कार्ड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप देख रहे हो संडे है और संडे वाले दिन मेट्रो स्टेशन के अंदर कितना ज़्यादा क्राउड है भाई, तो अपना मेट्रो कार्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट चलेंगे। बदरपुर वाली मेट्रो आ चुकी है, जो कि गाइस यहीं पे टर्मिनेट हो चुकी है, पूरी की बोली यहीं पर खाली हो जाएगी और यहीं से सीधा जाएगी कश्मीरी गेट की तरफ की ओर। तो भाई यहाँ बैठते हैं। वैसे मैं आज सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, जो कि आज मैं आपको सदर मार्केट दिखाऊँगा। वैसे मैंने आपको बता, फाइनली गाइस हमारी मेट्रो आ चुकी है। मेट्रो से उतरोगे तो मेट्रो के बाद आपको बाहर ई रिक्शा मिल जाएगा। ई रिक्शा से बाजार तक के लिए आपको सिर्फ 10 रुपये के किराए से आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली मैंने ई रिक्शा ले लिया और चलते और आपको आगे दिखाता हूँ। फाइनली गाइस यार मैं सदर मार्केट आ गया और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे होली का सारा सामान, जो कि इन भाई ने यहाँ पे दुकानों पे अपना लगा रखा है, गुलाल वगैरह आपको जो भी कुछ चाहिए हो सारा यहाँ पे पानीदार वाला आपको देखने के लिए मिल जाएगा कलर पानी में। वैसे क्या रेट में मिलता है भाई? 30 रुपये का 250 ग्राम भाई, 30 रुपये का 250 ग्राम मिल जाएगा। और ये वाला कलर भाई सी ए भी 30 रुपये का 250 ग्राम। ये डब्बी वाली कैसी होती है भाई? ये 10 रुपये की एक
अच्छा 10 रुपए की भाई ये दो मिल जाएगी, अगर कोई बेचना चाहे तो आराम से बेच देंगे 20 रुपए की भाई साहब, 20 रुपए की बिक जाएगी वैसे 10 रुपए की, तो मतलब क्या 5 रुपए की एक हो गया ना, 5 रुपए की एक आप आराम से वैसे इसको 10 रुपए की बेच सकते हैं। और भी ये देखो भाई कौन सा ये होता है पेस्ट, अरे भाई ये देखो ये पेस्ट है, ये क्या किस रेट मिलता है 100 रुपए किलो भाई साहब, ये 100 रुपए किलो मिलता है, आप जितना चाहो आप अपने हिसाब से इसको बेच सकते हैं। और यहाँ पे भाई के पास सारे गुलाल वगैरह मिल जाएंगे, और पीछे भी ये पीछे कौन सा सिल्वर वाला है, अच्छा ये वो कलर तो अलग है ना, गोल्डन में है वो, हाँ थोड़ा सा दिखाओगे थोड़ा सा हाथ में यार, ये देखो भाई के पास गोल्डन वाला भी मिल जाएगा, इसका भी सेम रेट होगा ना, इसका ही वैसे 100 रुपए किलो ये भी मिलेगा, और 100 रुपए किलो आपको वो गोल्डन वाला भी मिलेगा। और यहाँ पे भाई के पास गुलाल वगैरह सारे मिल जाएंगे आपके पास, भाई के पास जो भी है। और चलो आगे देखते हैं, आगे और भी भाई के पास क्या क्या मिलता है, और यहाँ पे देखते हैं। और ये हमारे एक भाई है जो कि यहाँ पे इन्होंने स्प्रे वगैरह सब कुछ टोटली अच्छी तरह से लगा रखा है, और दूसरे भाई यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल पेवर हुए, और मैं हमारे अंकल जी है, अंकल जी ये गुलाल बताओ किस रेट में मिलेंगे गुलाल, भाई साहब आपको 100 रुपए किलो मिलेगा, कट्टा उट्टा चाहिए तो वो मिल जाएगा ना आपके पास भाई साहब, कट्टा वगैरह अच्छी हो तो वो भी आपके पास अंकल के पास यहाँ पे मिल जाएगा मार्केट में। ये क्या है बच्चों का जादू भाई साहब, ये बच्चों का जादू है, ये देखो क्या होता है भाई, ये तो बहुत बच्चों का आइटम है, बच्चों का, अच्छा ये बच्चों का आइटम होता है, वो भी खेल सकते हैं भाई, पानी वानी मिला के है ना, अलग ही कलर देगा ये अच्छा रंग। और ये कौन सा कलर होता है, ये तो भैया जी वो ये जामनी, अच्छा जामनी कलर है, अच्छा ये जामनी कलर होगा, और गुलाल भी मिल जाएगा, और स्प्रे एक बार स्प्रे दिखाओ, दिखाओ जी भैया जी को स्प्रे दिखाओ अंकल जी एक बार, ये स्प्रे देखो भाई, ये देख दो भैया जी ये स्प्रे देखो भाई के पास, किस रेट में मिलेगा भाई ये, भैया जी 120 की, 120 रुपए का ये आपको स्प्रे मिल जाएगा, जो कि ये झाग वाला होता है ना, ये झाग वाला आपको स्प्रे मिल जाएगा, सीटी अनार्बम वगैरह, और कुछ जो बम वगैरह से आते हैं वो गुलाल जिनमें से निकल है वो दिखाना एक बार, दिखाओ ये देखो भाई सही, ये वो है जिसमें से तिल्ली लगा दो और इसमें से गुलाल हवा हवा में उड़ेगा, ये वो चीज है, ये कितने रुपए का पड़ता है एक, ये भैया जी पैकेट है, कितने रुपए का आता है पूरा, 120 का पैकेट है 5 पीस, अच्छा 120 का पैकेट ऐसा, 120 का पैकेट ऐसा मिलेगा जिसमें आपको 5 पीस देखने के लिए मिलेंगे, वही भाई अगर आपको चाहिए हो तो आप सदर मार्केट में जरूर आए, जब भी आपको मिलेगा बाय द वन नहीं मिलने वाला, तो एक बार चलते हैं, और पीछे भी आपको दिखाता हूँ भाई, ये देखो ये छोटी छोटी पिचकारियाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, कितने कितने की भी है, अच्छा 240 का दर्जन होगा, तो 240 का दर्जन मिलेगा ये आपको, जितना आप चाहो मतलब कि वैसे ले सकते हो, 20 रुपए का पीस आराम से भाई साहब, इसको 30-40 में आराम से आप बेच सकते हैं इसको। और यहाँ पे इनके पास देख सकते हैं और भी, ये दिखाना भाई, ओ भाई साहब ये भी अलग तरह की पिचकारी है भैया, क्या है पिचकारी है, कितने रुपए की है, हैं ये 150 रुपए, 150 रुपए की है, वैसे यार ये तो गाइस मेरे भी काम की चीज़ है, क्योंकि जो मेरा फैमिली वर्क है उसमें ऐसे यूज भी होती है। और ये बलून के पैकेट बताओ भैया, बलून का पैकेट किस रेट मिलते हैं, 80 रुपए की भैया, 80 रुपए का एक पैकेट, हाँ। कितने पैकेट, 600 प्लस है, 600 प्लस निकलते हैं उसमें, अच्छा जी लिखा हुआ है 500 प्लस, लेकिन ये 500 से ज्यादा है, 600 प्लस, 600 प्लस है इसके अंदर, अच्छा सही है भाई साहब, आप जरूर आओ इन भाई से जरूर लो। अरे पिचकारी किस किस रेट में मिलती है, ये वाली भैया, ये वाली 60 रुपए की है, 20 रुपए की है, ये 10 रुपए, अच्छा 60, 20, 10 रुपए की वाली मिल जाएगी, ये 30 रुपए की मिल जाएगी, ये भी 30 की मिल जाएगी, और ये 40 रुपए, ये भाई साहब 40 रुपए की मिल जाएगी, हमारी बंदूक देख रहे हो एक नंबर, और वो जब हाँ हाँ ब्लॉग बना रहा हूँ भाई, भाई जी कह रहे हैं भाई चाय भी बिकती है उनकी, आपकी खुद की दुकान होगी, आपकी खुद की दुकान होगी, हाँ अच्छा, हाँ इनका भाई की तो कलर गुलाल वगैरह की दुकान है, वैसे पेटीएम गूगल पे सब हो जाता है ना, अब चलो भाई सब हो जाता है, भाई क्या आई, क्या आई, होली 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 आई भाई, होली आई, कितने कितने रुपए की डिब्बी है, 10 रुपए की डिब्बी भाई, वाह 20 की 3 मिलेंगी, अगर इस वीडियो को देख के आओगे तो आपको भी भाई 20 की 3 मिलेंगी है ना भाई, सबको मिलेगी भाई साहब, सबको मिलेगी, ये भाई साहब आपको गुलाल देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि हमारे अंकल जी ने लगा रखे हैं, कैसे कैसे मिलेंगे भाई ये रेट, 10 रुपए की एक, अच्छा अच्छा नटवर लाल,
नटवर लाल मिल जाएगा आपको 10 रुपए का पैकेट, जो कि आप अगर होलसेल या रिटेल में जाना जैसे चाहो वैसे। मार्केट में आपको एक नंबर दुकानें मिलने वाली है, अगर आपको होली का कुछ भी सामान चाहिए हो। एक बार मैं आपको पिचकारी वगैरह दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो भाई साहब, ये देखो, ये यहाँ पे एक नंबर आपको पिचकारी मिल जाएंगी भाई। कितने कितने की है? 180। ये भाई साहब आपको लीटर वाली 180 रुपए की मिलेगी, एक नंबर की पिचकारी है। वैसे अगर कोई थोक रेट में लेने आए तो वैसे मिल जाएगी होलसेल के लिए भाई? अच्छा, होलसेल ही। अगर कोई रिटेल में लेना चाहे तो रिटेल में भी मिल जाएगा। ये देखो, अच्छा ये भी है भाई साहब, ये एक नंबर, ये वाली कितने रुपए की भाई? 280 रुपए की मिलेगी ये वाली भाई आपके पास। और सबसे बड़ी तो ये है, इनकी सबसे बड़ी पिचकारी तो यहाँ की ये लग रही है, ये देखो भाई साहब। सदर मार्केट में आप यहाँ पे आने का यही फायदा होता है, क्योंकि आपको जैसा चाहिए होता है ना वैसा सामान आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो भाई यहाँ पे गुलाल वगैरह इन्होंने भी लगा रखे हैं, देख रहे हो, एक नंबर मार्केट है ये। ये कलर है ना, ये कलर आपको मिल जाएगा यहाँ पे इनके पास। ये है जो कि पानी में डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये ऐसे आपको पैकेट वाले भी मिल जाएंगे यहाँ पे, जो कि होली का सारा सामान मिल जाएगा। और यहाँ पे ये हमारे भाई बैठे हैं, भाई क्या नाम है आपका? आसिफ भाई। गुलाल वुलाल बता दो कैसे कैसे मिलेगा किलो? भाई साहब 80 रुपये किलो तो ये भाई दे रहे हैं हमारे, देख रहे हो, एक नंबर। वो 60 रुपये किलो गुलाल मिल जाएगा। बेचने वाला चाहे तो आके मतलब कि खरीद के बेच भी सकता है ना आराम से, थोक रेट के हिसाब से। 400 रुपये दड़ी भाई साहब, एक नंबर। ये 250 किलो ना, 250 का 5 किलो मिलेगा भाई साहब को। ये वाला कलर 5 रुपये की डब्बी है, ये 5 रुपये की डब्बी मिलेगी आपको। 50 ग्राम की डब्बी 5 रुपये की, 280 रुपये की। अच्छा कितने पे की? अच्छा 80 रुपये का एक पीस है, 400 ml में मिलेगा ये आपको। 250 मतलब की प्रिंटेड है, लेकिन आपको सही रेट में मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे आओगे, होल सेल के रेट मिल जाएगा ना। बेटे अगर कोई वीडियो को देख के अगर कोई रिटेल में लेना है तो वो भी मिल जाएगा ना, वो भी मिल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार आगे और चल लेते हैं, एक बार और आगे देख लेते हैं। तो भाई साहब एक से बढ़कर एक आपको यहाँ पे स्प्रे मिल जाएंगे, और आपको जो कैप्सूल होते हैं ना तो वो आपको कैप्सूल भी देखने को मिलेंगे। अरे भाई क्यों लड़ रहे हो? अरे भाई ऐसे मत करो, एक बार ये कैप्सूल दिखाओगे यार? कैप्सूल ये भाई जो हमारे ये जो हमारे जो होली में जो कैप्सूल कितने रुपए की डब्बी आती है? ये भाई साहब 1600 रुपए की। 120 में कितने आते हैं ये? 100 डब्बी। अरे अच्छा एक डब्बी में 100, ये 100 तो नहीं लग रहे यार, वही तो। अच्छा मतलब कि 5 होंगे तो उनमें 120 होती है। भाई ये भाई कह रहा है 800 का 120। और ये क्या होता है भाई, ये कैसा कलर है? ज्यादा मत घेरियो हाथ पे। ये भाई साहब ये देखो जामनी कलर है ना, ये जामनी कलर मिलेगा आपको अंडो वाला, जो कि वैसे हाथ ठंडा कर दिया इसने, एक नंबर थी बहुत ठंडा कर दिया भाई। तो भाई साहब एक तरफ से आपको सारी होली देखो भाई साहब, मेरा तो यहाँ पे हाथ कलर में कर दिया भाई ने पूरा। ये देखो भाई साहब एक नंबर की ये पबजी वाली पिचकारी मिल जाएगी भाई। किस रेट में है ये पबजी वाली? हाँ भाई कितने में की, कितने की है? 300 रुपये की मिलेगी ये पबजी वाली आपको, एक नंबर की। बाकी आपको गुलाल वगैरह तो यहाँ पर टोटली सब कुछ मिल जाएगा अगर आप लेने आओगे तो। चेक कराओ ना? ना यार एक नो वैसी चेक करा दिया, मेरा हाथ वैसी कलर में कर दिया। विलो करो तो ये करा भाई सर, ले लो तो आना, विलो कर कुछ टाइम बर्बाद करना हमें। ये तो है। तो भाई आपको सारे गुलाल वगैरह मिल जाएंगे भाई के पास। और आगे जो स्प्रे होता है, जो अगर आपको कोई कट्टा वगैरह चाहिए ना गुलाल का, तो यहाँ पर कट्टा भी मिल जाएगा, देख रहे हो, जो कि तोता कलर में जो भी है आपको इनके पास मिल जाएगा। और इनके पास ये कोई, ये कौन सा होता है? ये भी है भाई कुछ बढ़िया, एक नंबर का गोल्डन कलर मिल जाएगा 80 रुपये का, जो कि पूरे 10 पीस है इसके अंदर। ये गोल्डन है, और ये वो है क्या कहते हैं आपका, सिल्वर कलर में मिल जाएगा दवा के। वैसे कट्टे वगैरह भी मिल जाते हैं गुलाल वाले, सब चीज़ मिल जाती है। वैसे ये एक पैकेट कितने रुपये का होता है भाई? एक पैकेट 70 रुपये की 10 की लड़ी है। अच्छा 70 रुपये की मतलब कि 10 की लड़ी है, तो आराम से 10 का बेचोगे तो फिर भी 30 रुपये बचेंगे है ना भाई साहब। सही, अगर आपको होलसेल के लिए वैसे बेचने के लिए चाहिए तो आप आके
देखो कितना ज्यादा क्राउड है। आपको ये ऐसी दुकानें मिलेंगी देखने के लिए, क्योंकि आपको होली के लिए जितना भी सामान चाहिए वो भी मिल जाएगा आराम से भाई। अंकल कितने रुपए का पैकेट है इसका? ये पूरा पत्ता है? पूरा पत्ता 50। ये पूरा कितने होते हैं इसमें? 20 पैकेट होते हैं और 50 रुपए का पत्ता मिलेगा ये आपको, अगर आप देखने के लिए अगर लेना चाहते हो तो। और ये वाला पत्ता कितने का मिलता है एक पैकेट? 20 रुपए का एक। कितने पीस निकलते हैं इसमें? इसमें वैसा 100 पीस निकलते कम से कम। एक नंबर 50 रुपए में 500। अभी वो कह रहा 250 पीस। कितने का? कितने पीस है इसमें? 500 पीस है। कितने रुपए का पीस? होली है भैया। भाई साहब एक नंबर पिचकारी है। तो भाई तुमने बंदूक बना रखी है। 1 लीटर पानी आ रहा है। 1 लीटर कितने की है भाई? ये 120 की रेट है। 120 रुपए मिलेगी एक नंबर की। दो दो कलर मिल जाएंगे आप इनके पास। आगे जाओगे 150 कम नहीं मिलेगा, देख लो परेशर को देख लो। हाँ हाँ भाई एक नंबर पिचकारी है यार, कह तो रहा हूँ। बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। अरे होली की जितनी भी दुकान है वो सारी मिल जाएंगी यहाँ पे, आपको हर चीज देखने के लिए मिलेगा। ये देखो भाई साहब। हाँ भाई बताओ क्या क्या मिलेगा आपके पास? जो कुछ लेना चाहोगे। ये वाला कलर कितने कैश दिया है? 250 रुपए किलो। 250 रुपए किलो मिलेगा भाई ये एक नंबर, एकदम ओरिजिनल। बहुत बढ़िया, देख लिया मैंने, देख लिया यार। अरे देख लिया, अरे देख लिया भाई मेरे, देख लिया देख लिया देख लिया। 250 रुपए किलो। देखो भाई सब कुछ मिलेगा भाई के पास। ये कैसे मिलेंगे गुलाल वगैरह? 100 रुपए किलो ये वाले मिल जाएंगे भाई भाई के पास। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल बताओ क्या क्या आपके पास बताओ। ये वाला स्प्रे कितने का मिलता है भाई? 100 रुपए के 4 है, 300 रुपए दर्जन है, 300 रुपए के 12। भाई साहब 100 रुपए के 4 मिलेंगे आपको और 300 रुपए के 12 पीस मिलेंगे आपको इसके। ऐसे 110 रुपए का 5 कलर है इसमें। 110 रुपए का ये मिलेगा और 5 कलर आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। भाई आपका नाम क्या है? नाम बता दो। भाई का नाम अयान है। इनके पास जरूर आओ भाई साहब, इनसे लेके जाओ, अभी ये चीज आपको मिलेगी और ना नहीं मिलने वाली है ना भाई। छोड़ दो ना मेरा। हाँ नंबर भी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बताओ भाई, 100 रुपए का है, इसमें 5 कलर का गुलाल निकलता। अच्छा 100 रुपए का ये पीस है, 5 पीस निकलेंगे और इसके अंदर गुलाल निकलेगा, जैसे बम पटाखे वाला होता है वैसे सीन रहता है ना भाई इसका। और कुछ वो दिखाओ भाई, ये मुकुट वगैरह दिखाना। ये भाई मुकुट देखो 40 रुपए पीस है भाई। ये 40 रुपए का 100 रुपए दर्जन एक पीस मिलेगा और 400 रुपए का दर्जन मिलेगा आपको। ये और दूसरा दिखाना कोई सा। ये देखो भाई ये भी है भाई टाइगर, आपको एक नंबर। ये देखो ये भी 40 का ही है ना? जी सर, कोई सा भी ले 40 का ले ले, कोई सा भी एक नंबर मिलेगा। ये गिफ्ट है होली का? यस। अच्छा भाई ये होली का गिफ्ट मिल जाएगा आपको किसी को देने के लिए। 100 क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर गुलाल होता। अच्छा लाइट खुशबू वाला। इसके अंदर भाई गुलाल होता लाइट खुशबू वाला। कितने रुपए का ये? 160 रुपए का। और वैसे MRP आप देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा 500 रुपए इसकी MRP है। बहुत बढ़िया भाई, चलो भाई चलते हैं फिर, आप आगे मिलते हैं ना। प्रदीप लोधी व्लॉग्स, ठीक है भाई। भाई साहब ये देखो कट्टे मिल जाएंगे आप, तो सारी पिचकारी वगैरह मिल जाएंगी। कितने की है भाई? ये भाई कितने की है? 60 रुपए की मिलेगी भाई साहब। ये 60 रुपए की प्लास्टिक की, बच्चों के लिए एक नंबर की है। और ये बंदूक वाली आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दुकान देखे जहाँ पे इतनी बड़ी पिचकारी। भाई ये बड़ी वाली पिचकारी कितने रुपए की है? वाली 550 रुपए की मिलेगी भाई ये आपको एक नंबर की। 120 रुपए की तो आपको ये मिल जाएगी यहाँ पे। टोटली गाइस ये होली का सामान आपको सारा यहीं पे मिलने वाला है, यहाँ से लेके वहाँ तक आपको वहीं होली के सामान मिलेगा। और देख रहे हो क्राउड कितना ज़्यादा है यार मार्केट में। वाली मार्केट होती है जो पटरी वाली दुकानें होती है वो तो इस तरफ मिल जाएंगी, और जो आपको जो बड़ी बड़ी जो दुकानें होती है ना वो सारी बड़ी बड़ी दुकानें आपको इस तरफ देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे आपको जितनी भी पिचकारी वगैरह
लेनी हो तो गाइस आप सारी यहाँ से ले सकते हैं, जो कि हमारी जो खुद की जो घर के आसपास जो दुकानें होती है उससे तो काफ़ी ज़्यादा सस्ते दामों में आपको यहाँ पे मिल जाएगा सारा सामान। आपको अगर कुछ होली वगैरह का चाहिए हो तो, वैसे मैंने आपको इस ब्लॉग में रेट वगैरह तो वैसे टोटली बता ही दिए हैं। पासी मिल जाएंगे मुकुट। आई होप गाइस यार आपको इस व्लॉग में मजा आया होगा। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, ये वाला व्लॉग ना काफी मुश्किल से मैं बना पाया, जिसकी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पहले बता दिया था कि मैं इस सदर बाजार गाइस काफी सालों बाद जा रहा हूँ अभी गाइस आपके लिए, जो कि इस व्लॉग में गाइस मैंने आपको टोटली सब चीज के प्राइस बता दिए। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, जो भी आपने देखा गाइस, जैसे कि आपने कहीं ना कहीं रेट अलग भी देखे होंगे, कोई रेट ज्यादा बता रहा है तो गाइस कोई रेट कम बता रहा है, तो गाइस ये इसी वजह से इस वीडियो की लेंथ कुछ ज्यादा बढ़ी है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, अगर आप गूगल से अगर दिल्ली मेट्रो की अगर आप लोकेशन लोगे तो गाइस आप बिल्कुल ऐसा ना करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको सदर मार्केट जाना है तो सदर मार्केट के जो आसपास का जो हमारा मेट्रो स्टेशन है, उस मेट्रो स्टेशन का नाम है चांदनी चौक। तो गाइस आपको वहीं पर चांदनी चौक पर उतरना होगा और उसके बाद जो ई रिक्शा से फिर आप गाइस आप इजीली वहां पर चांदनी चौक के जो सदर मार्केट है वहां पर जाके आप अपने से वहां पर जाके आप जो भी कुछ लेना चाहते हैं गाइस वो आप इजीली ले सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको इस व्लॉग में मजा आया होगा, तो इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसी अमेजिंग व्लॉग में, जब तक।